अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफ़ीक है और आज हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे ओपन बॉक्स के सिग्नेचर प्लस एलवी की, जो कि काफ़ी अच्छा है। H265 भी है और काफ़ी पॉपुलर रहा है पाकिस्तान में जब फॉरएवर का दौर नहीं था। बिल्ट इन वाईफाई है जी दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी ये पॉपुलर रहा है, अगर अभी भी है। उसके मैं आपको चंद जो है फ्यूचर बता देता हूँ। पिक्चर क्वालिटी के हवाले से ये थोड़ा सा अच्छा है और मैंने खुद भी चेक किया है। और आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हमारे नए पुराने चैनल पे जो है थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, मैं इसको ज़रा आपको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह मिल रहा है आपको। ये इसका खूबसूरत सा एक रिमोट है, शेप बहुत प्यारी है और रिमोट की क्वालिटी, बटन प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका रिमोट हो गया, ये इसमें एवी केबल है, HDMI केबल नहीं डाली इस दफ़ा, पता नहीं क्या वजह है। और ये बैटरीज वगैरह हैं और ये जी रहा हमारा रिसीवर। ये फ्रंट पे कुछ बटन वगैरह मिल रहे हैं और ये फ्रंट पे USB नहीं है, इसकी जगह पे खाली है ये आप देख लें, आगे USB इसकी नहीं लगती, बैक साइड पे ही बस ऑप्शन रखा गया है। मैं इसकी आपको बैक साइड भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ पे LNB इन आउट, HDMI और AV का ऑप्शन भी मिल रहा है, सिंगल USB है, ठीक है दोस्तों, और पावर ऑन ऑफ बटन, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, मैंने दिखा भी दी हैं। अभी इसको हम LED वगैरह पे एक्टिव करते हैं, फिर आप दोस्तों को बताते हैं, इसका सर्वर भी एक्टिव करते हैं। तो चलते हैं LED की तरफ। वेल दोस्तों, अभी आपको हम इसमें सॉफ्टवेयर करके दिखाते हैं और वीडियो कॉल भी चेक करवाएंगे। इससे पहले मैंने इसमें USB वगैरह इंसर्ट कर दिए और अभी मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर कैसे होगा। ये इसका जी मेन्यू है, मेन्यू आप देख लें, काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल इसमें मेरे ख्याल से वो वीडियो कॉल वर्किंग है, एयरटेल फ़िलहाल अभी इसमें काम नहीं कर रही, ठीक है दोस्तों। ये देखें यहाँ पे, ये सिंपली आपको सेटिंग में अपग्रेड की ऑप्शन मिल जाती है और ये हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से आप इसका सॉफ्टवेयर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा है पाकिस्तान में, जब फॉरएवर सर्वर नहीं था उस टाइम ये काफ़ी सेल होते थे, अभी ज़रा इनकी डिमांड कम है और प्राइस का भी थोड़ा बहुत आजकल डॉलर की वजह से काफ़ी इशू आ रहा है, तो प्राइस भी कहीं स्टेबल नहीं हो रही। खाली सादा रिसीवर इस टाइम 2400-2500 का हो गया है F1F2, ठीक है दोस्तों। एनीवे अभी ये इसका यहाँ पे मैंने इसमें सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, मेरे पास अभी काफ़ी सॉफ्टवेयर है, मैं इसका जल्दी से देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है और उसको फिर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये है जी 1506 LV, ये है देखें आप, इसमें यह सेव, यहाँ पे अगर आप इसकी फ्लैश को सेव करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन रखी गई है, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने ओके कर दिया है, तो ये फॉरएवर सर्वर की तरह वो नहीं मांगता कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं, ये डायरेक्टली हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊँगा, ये देखें ये बिलिंग कर रही है, ये जो फ्लैश इरेज फ्लैश, ये पहले इरेज होता है फिर अपडेट होती है फ्लैश, उसके बाद फिर ये रीस्टार्ट हो जाता है। और ये बॉक्स की भी आप परफॉर्मेंस देख लें, ये आप देख लें। और यहाँ पे मैं अभी दोबारा आपको फिर वही चीज़ देख चेक करवा देता हूँ। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट ले जाएगा अपडेट में, तब तक इसका वेट कर लेते हैं। कोशिश करें कि छोटा सा कोई भी बैकअप वगैरह लगा लें, UPS हो, आजकल मार्केट में छोटे से मिल जाते हैं 10-15 मिनट बैकअप वाले, उस पर आप ऑनलाइन उसको परचेज़ करके तो वो अपने रिसीवर वगैरह पे लगाया करें, उसके बाद इनको अपडेट किया करें ताकि आपका कोई भी फ्लैश वगैरह का इशू ना बने। ताकि फॉरएवर रिसीवर में भी यही इशू आ रहा है और ये इजीली रिकवर हो जाते हैं। ये इसको जो है ना लोकल बंदा जो आम छोटे गांव में रहते हैं वो भी इसको रिपेयर कर लेते हैं, फॉरएवर का ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा इशू होता है। सॉफ्टवेयर इसका तकरीबन कम्प्लीट होने को है, 100% इसका सॉफ्टवेयर हो गया है, उसका मैं कोड भी है कोई 1506, उसके बाद ये इसमें हम चैनल वगैरह सर्च कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर इसका तकरीबन कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको इसकी दोबारा से वो बताता हूँ कि इसको ओपन कैसे किया जाता है, और अभी इसका मैं वर्जन आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसका वर्जन है, और सॉफ्टवेयर अभी भी इसका 2021 वाला ही है। अभी इसका आ जाएगी अपडेट, वैसे इनकी अपडेट की ज़रूरत भी नहीं होती हमें, और वैसे ही ये ऑटो अपडेटेड भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, ये ई कॉस्ट की आ रही है, इंटरनल वाईफाई डायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसको मेरे ख्याल से फैक्ट्री रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं, अभी यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो कैसे ओपन होगी। यहाँ पे आपने प्रेस करना होता है 1506, ये देखें जी 1506। जैसे ही प्रेस किया तो हमारे पास तीन चार एक्स्ट्रा ऑप्शनें आ गई, ये जैसे लाइक पेज हो गया, शेयरिंग, घोड़ा, और ये DSKM। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, फिर इसका घोड़ा कैम को जो है हम वो एक्टिव करते हैं, और फिर आप दोस्तों को बताते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये देखें सेटिंग में ही आपको वाईफाई मिल रहा है, यहाँ पे ये 3G की ऑप्शन भी मिल रही है, वाईफाई की भी है, और यहाँ पे कन्फ्यूगर में जैसे ही आएंगे तो मेरा भी नेट ओपन होगा, तो मैं इसमें पासवर्ड वगैरह लगा के फिर आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, इसको भी कंफर्म करने के लिए रिमोट से आप ब्लू बटन प्रेस करें, और ये नीचे ऑटो लिंक कह रहा है, तो ऑटो लिंक तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने सेल आउट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी ये कुछ ही देर में जो है ना ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये आप देख लें। ठीक है जी, तो वहाँ पर देखें अब कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास, और नेटवर्क कनेक्शन सक्सेस की ऑप्शन भी आ गई है हमारे पास। अभी हम आपको इसमें मल्टीमीडिया में जाके घोड़ा चेक करवाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये देखें एक्टिव का बटन है, इधर से आपने रेड बटन इसको प्रेस करना होता है। जैसे ही रेड बटन प्रेस किया तो ये आप आज की डेट भी चेक कर लें, ये देखें जी। ठीक है दोस्तों, आज तकरीबन ये आप इसकी डेट वगैरह चेक कर लें। अभी हम बैक जाते हैं और इसमें कुछ चैनल वगैरह सर्च करते हैं, फिर आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी इसमें वीडियो कॉन डालने लगा हूँ, और मेरे पास मोनोब्लॉक की LNB लगी हुई है, तो उसकी कुछ सेटिंग इस तरह बनती है कि दोनों डायजिक उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि LNB में भी डायजिक होता है और उसमें भी होता है, तो मैं इसको जल्दी से ज़रा सर्च कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखें मैंने अभी इसमें डायजिक वगैरह भी लगा दिया, और ये हमारे पास सिग्नल आ चुके हैं, इसको भी मैं ज़रा जल्दी से स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के लिए ये कोने पे देखेंगे तो आप ये रिमोट से आप ब्लू बटन दबाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको नेटवर्क को ऑन कर देता हूँ और ब्लाइंड स्कैन कर लेता हूँ। ये अभी चैनल सर्च वगैरह जितने हो जाते हैं फिर आप दोस्तों को बताता हूँ, चला के भी दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखें इसने तकरीबन कोई 4 मिनट सर्चिंग में लिए हैं, और तकरीबन 567 चैनल आ गए हैं हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यस कर दिया इसको अभी, और अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट वगैरह भी चेक करवाता हूँ कि क्या हमें रिज़ल्ट इसका मिल रहा है। मैं ज़रा इसकी पहले वॉल्यूम वगैरह बंद कर लेता हूँ, और ये आप देख लें जी, इसमें अभी कोई कलर वगैरह चेंज तो नहीं होते, अंदाजे से ही किए जा सकते हैं। और ये देखें तकरीबन इसमें वर्किंग है ये, और ये सोनी सब है, क्योंकि मैं मेन आपको HD चैनल चेक कराऊंगा। ये देखें जी, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ है, और NTV हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो है इस पर मेरे ख्याल से मज़ेदार वीडियो पहुँचा दी है। ये देखें जी, ये NTV है, और इस पर स्टार मूवी है। जी हाँ दोस्तों, ये देख लें आप, थोड़े थोड़े मैं आपको करके दिखाता हूँ। सोनी पल वगैरह इसके ऊपर ओके हैं, और स्पीड भी ठीक है ओपन होने की। बाकी इस पर एयरटेल मैंने अभी फ़िलहाल चेक नहीं किया है इसके ऊपर, और कुछ इस पर ऊपर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, कुछ नहीं चल रहे, कुछ ओपन हो जाते हैं कुछ नहीं होते। जैसे ये स्टार प्लस वगैरह ये तो इसके ऊपर चल रहे हैं, ZTV हो गया, और ये कलर वगैरह हो गया, ये आपके सामने बिल्कुल अभी वर्किंग में है, कलर्स वगैरह इसके ऊपर चल रहा है, और ये आप देख लें
ठीक है दोस्तों, बाकी ये मेन मेन चैनल है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे ये लाइक वी सिनेमा हो गया, एनिमल प्लानेट, और ये तकरीबन ओपन है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, शेयर भी करना है, और आप दोस्तों के लिए काफ़ी ये देखें इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते रहते हैं हम। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ये देख लें, बस मैंने आपको एक आइडिया देना होता है, और वीडियो अच्छी लगी है, कहीं पे भी हेल्पफुल लगी है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।